इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान खेल परिदृश्य 2023 से संबंधित 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का खेल परिदृश्य होगा। 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने आरएस एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जहाँ आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान की करंट अफेयर के पिछले 3 महीने के 100-100 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, और भारत में वर्तमान में कौन क्या है, राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, और भी अदर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर इसी तरह देखने को मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलती है। तो राजस्थान का खेल परिदृश्य 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कृष्णा पूनिया ने देश के पहले पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया है? बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो कृष्णा पूनिया ने देश के पहले पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का जो लोकार्पण है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त, 29 अगस्त, 22 अगस्त, 27 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपके प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 2023 काट दीजिए, 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया? 2, 3, 4, 1। तो राजस्थान प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 4 श्रेणियों में बांटा गया, जिन्हें ए, बी, सी, डी नाम दिया गया। जैसे कि ए श्रेणी में इंटरनेशनल और आईपीएल जो खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया, बी श्रेणी में राजस्थान रणजी ट्रॉफी में जो खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया, उसके बाद सी श्रेणी में बीसीसीआई की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रतिनिधित्व करने वाले 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, और डी श्रेणी में जिला संघ से प्राप्त 3 खिलाड़ी और पिछले साल सीनियर चैलेंजर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र बनाने और नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है? 45, 58, 51, 34। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में कुल खेलो इंडिया केंद्र बनाने और नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा कितनी की है टोटल? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 51। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राजस्थान में बनाए गए 33 खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? अशोक गहलोत, अनुराग ठाकुर, गोविंद सिंह डोटासरा, वैभव गहलोत। तो भारत सरकार द्वारा राजस्थान में बनाए गए 33 खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन है वो अनुराग ठाकुर ने किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में राजस्थान की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है? आईपीएल, बीसीसीआई, डब्ल्यूपीएल, बीपीएल। तो आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग की भी शुरुआत की गई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था, महिला टीम ने गोल्ड पदक जीता था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसके के प्रसिद्ध खिलाड़ी दीपक चार आरपीएल में किस टीम के खिलाड़ी थे? भीलवाड़ा बुल्स, जांबाज कोटा चैलेंजर्स, उदयपुर लेक सिटी वॉरियर्स, जोधपुर सनराइजर्स। तो सीएसके के प्रसिद्ध खिलाड़ी दीपक चार आरपीएल यानी राजस्थान प्रीमियर लीग में भीलवाड़ा बुल्स टीम के खिलाड़ी थे और इस टीम के कप्तान भी थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में आईपीएल की तर्ज पर चल रही राजस्थान प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? और इसके अलावा अगर अभी तक आपने राजस्थान प्रीमियर लीग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं देखे, जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। आपके पास ऑप्शन है वैभव गहलोत, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चार। तो राजस्थान प्रीमियर लीग का ब्रांड मेस्टर कपिल देव को बनाया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में युग चेलानी ने 400 मीटर में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। तो युग चेलानी ने
400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रीमियर लीग का लोगो किसने जारी किया है? अशोक चांदना, वैभव गहलोत, जय शाह, अशोक गहलोत। तो राजस्थान प्रीमियर लीग का जो लोगो है वो वैभव गहलोत ने जारी किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, कब से कब तक किया गया है? 23 अगस्त से 5 सितंबर, 29 अगस्त से 3 सितंबर, 27 अगस्त से 10 सितंबर, 19 अगस्त से 10 सितंबर। तो राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन आपके 27 अगस्त से 11 सितंबर तक किया गया था। फाइनल 10 सितंबर को होना था लेकिन फिर उसको एक दिन पोस्टपोन करके 11 सितंबर को आयोजित किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 27 अगस्त से 11 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? गुरु गोविंद विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री द्वारा सिंथेटिक ट्रैक बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ? सांचौर, जयपुर, करौली, अलवर। तो 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन करौली जिले में हुआ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नाडा की वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में बाड़मेर की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? अवनी चतुर्वेदी, विद्या कुमारी, चतुरु, संतोष कुमार। तो कन्नाडा की वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में बाड़मेर की खिलाड़ी चतुरु ने गोल्ड मेडल जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जैवलिन थ्रो डे दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त 2023, 2023 तो आप काट ही दीजिए, 6 अगस्त, 2 अगस्त, 4 अगस्त, 7 अगस्त। तो नेशनल जैवलिन थ्रो डे आपके प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल 2023 की शुरुआत कब की गई? 1 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023, 2 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023। तो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 की शुरुआत 5 अगस्त 2023 से की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक पर भी एक अलग वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में चूरू की निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में कौन सा पदक जीता है? रजत, गोल्ड, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में चूरू की निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में कांस्य पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चल रहे राजीव गांधी ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने वाली हमीदा खान का संबंध राज्य के किस जिले से है? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर। तो हमीदा खान का संबंध है वो राज्य के उदयपुर जिले से है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की कौन सी खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल है? अवनी लेकरा, भावना जाट, अवनी चतुर्वेदी, राधा कुमारी। तो हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की खिलाड़ी जो भारतीय दल में शामिल है वो है भावना जाट। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहीद उगम सिंह मेमोरियल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर। तो हाल ही में शहीद उगम सिंह मेमोरियल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आपके बाड़मेर शहर में किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड, रजत, कांस्य, ए और बी। तो दीपेंद्र सिंह शेखावत ने आपका गोल्ड और रजत पदक जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक वर्ग में कौन सी टीम चैंपियन रही है? फीलवाड़ा, सीकर, बाड़मेर, उदयपुर। तो 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका वर्ग में आपकी सीकर टीम चैंपियन रही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वीं राज्य स्तरीय बालिका वर्ग की मुक्केबाजी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में कौन सी टीम विजेता रही है? अलवर, सीकर, भरतपुर, उदयपुर। तो मुक्केबाजी में आपकी टीम है वो भरतपुर है, वो चैंपियन रही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्राजील में हुई मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण और रजत पदक जीते? अभिनव, आयुष, पीयूष, सचिन। तो स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते पीयूष ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने किसे स्पोर्ट्स इंजरी और मेडी टूरिज्म में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया? नवीन शर्मा, आभा शर्मा, एआरबी दोनों, अभिनव कुमार। तो स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने स्पोर्ट्स इंजरी और मेडी टूरिज्म में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दोनों को सम्मानित किया, नवीन शर्मा, आभा शर्मा को। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में 56 kg वर्ग में जयपुर की मल्लिका कंवर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर में मल्लिका कंवर ने स्वर्ण पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ की महिला शूटर्स मीनाक्षी चार ने कौन सा पदक जीता? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो महिला शूटर्स मीनाक्षी चार ने जीता है स्वर्ण पदक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 का शुभंकर क्या है? मिराइतोवा, तूफान तूफानी, शेरू, इनमें से कोई नहीं। तो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 का शुभंकर शेरू है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर स्विमर ने इंग्लैंड की लेक कॉनिस्टन को 8.3 किलोमीटर बिना रुके पार करके एक नया कीर्तिमान रचा है? झरना कुमावत, अर्चना शर्मा, फिरदोश कायमखानी, अवनी लेखरा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा झरना कुमावत, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले की रहने वाली है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 8 से 25 जून तक किस जिले में आयोजित हुई थी? जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, अजमेर। तो पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग है वो 8 से 25 जून में जयपुर में आयोजित हुई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीरंदाजी में किसे उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया है? अवनी लेखरा, मंजू चौधरी, भगवती जाखड़, दर्शना राठौर। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीरंदाजी में उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया है भगवती जाखड़ को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप अंडर 18 प्रो सॉफ्टबॉल में राजस्थान के किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन हुआ? अतुल चक्रवर्ती, भगवती जाखड़, वरुण कुमार प्रजापत, विमला माचरा। तो राजस्थान के किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन हुआ? वरुण कुमार प्रजापति का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में आयोजित 17वीं राज्य वुशु प्रतियोगिता में कौन सा जिला अव्वल रहा है? जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा। तो कोटा में आयोजित 17वीं राज्य वुशु प्रतियोगिता में जयपुर जिला है वो अव्वल रहा है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश, तेलुगु टैलेंट्स, महाराष्ट्र आयरन मैन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र आयरन मैन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में होने वाली एशियन स्क्वैश मिक्स डबल टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया? अरविंद कुमार, सुरभि मिश्रा, वीरेंद्र पूनिया, सागरमल धायल। तो चीन में होने वाली एशियन स्क्वैश मिक्स डबल टूर्नामेंट में राजस्थान के खिलाड़ी जिन्हें भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया, सुरभि मिश्रा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तैराकी टीम में चयनित फिरदोश कायमखानी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर आपका कोटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, जयपुर। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन जयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने किस क्रिकेट टीम को हराकर पहली बार अंडर 14 राजसिंह डूंगरपुर ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया? उत्तर प्रदेश, विदर्भ, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान ने पहली बार विदर्भ टीम को हराकर विदर्भ आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ में आयोजित मध्य क्षेत्र राजसिंह डूंगरपुर अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वही अभी अभी वाला क्वेश्चन ही है, सेम ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? भावना जाट, मंजू चौधरी, कविता शिया, शिया चौहान। तो मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है मंजू चौधरी ने, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, कोटा। तो 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड मास्टर किसे नियुक्त किया गया? सुरेंद्र रवाना, गोपाल सिंह, मगन सिंह, अशोक चंदना। तो राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड मास्टर है वो मगन सिंह को नियुक्त किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय में चुना गया? शुभम जैन, हर्ष चौधरी, हेमांग जायसवाल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राज्य के खिलाड़ी जिन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन के लिए भारतीय में चुना गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष चौधरी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में चक्रव्यूह ट्रॉफी किसने जीती है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस। तो चक्रव्यूह ट्रॉफी है वो जीती है राजस्थान पुलिस ने, ए आपका करेक्ट सॉरी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 5, 8, 12, 10। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में राजस्थान ने 10 पदक जीते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 6 रजत और 4 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में खेल विद्यालय खोला जाएगा? उदयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, अजमेर। तो खेल विद्यालय आपके उदयपुर में खोला जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राजस्थान के किस प्रशासनिक स्तर पर स्टेडियम बनाने का प्रावधान है? राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राजस्थान के प्रशासनिक स्तर है वो आपका ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाने का प्रावधान है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आरएस एग्जाम की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार किस जिले में राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन हुआ है? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जालौर। तो राजस्थान में पहली बार की बात की है तो जयपुर में हुआ है, और इस साल 2023 में भी आपके राजस्थान के पाली जिले में हुआ और जयपुर में आपके पहली बार हुआ, और ये दूसरी बार ऐसा मौका हुआ जब राजस्थान हुआ। जयपुर में कब हुआ था पहली बार? 23-31 दिसंबर 1956 में, और पाली में इस बार आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में 2023 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 20, 42, 30, 12। तो 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने टोटल 30 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और पीछे बचे 24 है वो ब्रॉन्ज। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का स्थान है वो 20वां रहा। राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया, अनुराग ठाकुर, वैभव गहलोत, जयसा। तो राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू। तो एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन आपके जयपुर शहर में किया गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 6, 2, 3, 4। तो बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों खिलाड़ियों के नाम क्या? मंजू बाला, अजय सिंह शेखावत और भावना जाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर नेशनल सितोलिया का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू। सीनियर नेशनल सितोलिया का आयोजन आपके जयपुर जिले में किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननायक खेल उत्सव का आयोजन किसके जन्मदिन के अवसर पर किया गया? अशोक गहलोत, अनुराग ठाकुर, वैभव गहलोत, जयसा। तो जननायक खेल उत्सव का आयोजन आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? जयपुर,
जोधपुर, बाड़मेर, पाली। तो विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास आपके चौंप जयपुर में किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन कहाँ पर हुआ, ये 2022 की बात कर रहे हैं, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का समापन आपके जयपुर में हुआ है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर, जो कि आपके ऑप्शन में भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, कृष्णा पूनिया, अनुराग ठाकुर, वैभव गहलोत, जय शाह। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था, मिराई तोवा, तूफान तूफानी, शेरू, इनमें से कोई नहीं। तो 22 और 23 में सेम ही है आपका शुभंकर, वो है शेरू, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, जालौर। तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के पाली जिले में किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किसने किया, अशोक चांदना, अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, पंकज मित्तल। तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के जो पोस्टर है उसका विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पोस्टर का विमोचन कब किया था, 23 जुलाई 2022 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए की है, 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़। तो 1 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, राकेश कुमार, अशोक चांदना, अनुराग सिंह ठाकुर, के सच्चिदानंद। तो हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ का जो शिलान्यास है वह अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, असम। तो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राजस्थान को ही दिया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया, गोर्धन मीणा, मयंक जोशी, अनिल कुमार, अजय कुमार। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में प्रथम स्थान हासिल किया है गोर्धन मीणा ने, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित स्टेडियम में 32 साल बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला गया, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर जिले के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 32 साल बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर खोले जाने की घोषणा की है, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स स्कूल है वो आपके उदयपुर जिले में खोलने की घोषणा की है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन आपके उदयपुर में किया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजू बाला का संबंध किस खेल से है, कबड्डी, हैमर थ्रो, हैंडबॉल, शॉटपुट। तो मंजू बाला का जो संबंध है वो आपके है हैमर थ्रो से, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, कबड्डी, निशानेबाज, हैंडबॉल, शॉटपुट। तो अवनी लेखरा का जो संबंध है वो आपके निशानेबाज से है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं, 18, 30, 32, 20। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने टोटल 32 पदक जीते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 8 गोल्ड, 9 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज और 32 मेडल जीते, इससे राजस्थान को कौन सा स्थान हासिल हुआ, 10वां स्थान हासिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि राजस्थान सरकार ने कितने करने की घोषणा की है? 2 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि राजस्थान सरकार ने 7.50 यानी कि 7.5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। बी आप कर दो 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अवनी लेकरा, कृष्णा नागर, हेमांग जायसवाल, मंजू बाला। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अवनी लेकरा और कृष्णा नागर दोनों को किया गया। ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में पैरा खेल अकादमी बनने जा रही है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू। तो पैरा खेल अकादमी आपके जयपुर और जोधपुर में बनने जा रही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा दास माथुर से सम्मानित अनिकेत चौधरी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हैमर थ्रो, हैंडबॉल, शॉटपुट। तो अनिकेत चौधरी का संबंध क्रिकेट से है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के हेमांग जायसवाल का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, हैमर थ्रो, जूडो, शॉटपुट। तो हेमांग जायसवाल का संबंध है वो आपके जूडो खेल से है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया? 2022 की बात कर रहे हैं ये कि 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 29 से 5 अक्टूबर, 25 से 5 जनवरी, 5 दिसंबर से 5 मार्च, 5 जनवरी से 5 जुलाई। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, हैमर थ्रो, हैंडबॉल, शॉटपुट। तो कचनार चौधरी का जो संबंध है वो आपके हैं शॉटपुट से। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला क्रिकेटर पर शाबाश मिठू नाम में फिल्म बनाई गई है? कृष्णा पूनिया, मिताली राज, अवनी लेकरा, मीरा द्वाई चानू। तो शाबाश मिठू है ये फिल्म बनाई गई है मिताली राज पर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के जोधपुर जिले की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, हैमर थ्रो, हैंडबॉल, शॉटपुट। तो सुखबीर सिंह का संबंध आपके किस खेल से है? हैंडबॉल खेल से है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवती चौधरी का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, हैमर थ्रो, हैंडबॉल, शॉटपुट। तो भगवती चौधरी का संबंध है वो आपके हैमर थ्रो से है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली बालिका जनजाति हॉकी एकेडमी कहाँ शुरू हुई है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू। तो राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी है ये उदयपुर में शुरू हुई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कबड्डी अकादमी खोली जाएगी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू। तो कबड्डी अकादमी कहाँ खोली जाएगी? चूरू में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की है? 3, 6, 2, 4। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि जो खिलाड़ी कम से कम 3 रणजी मैच खेल चुका है उन्हें पेंशन दी जाएगी और आगे भी अगर 3 मैच कम से कम खेलेगा उसे पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, अनुराग ठाकुर, वैभव गहलोत, राम अवतार सिंह जाखड़। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है राम अवतार सिंह जाखड़। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरशन गुर्जर का संबंध किस खेल से? भाला फेंक, हैमर थ्रो, हैंडबॉल, शॉटपुट। तो सुंदरशन गुर्जर का जो संबंध है वो आपके भाला फेंक से है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? कृष्णा पूनिया, मंजू बाला, अवनी लेकरा, मीराबाई चानू। तो टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक अवनी लेकरा थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल एकेडमी राजस्थान के किस जिले में शुरू की जाएगी? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू। तो हैंडबॉल एकेडमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में शुरू की जाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? कृष्णा पूनिया, मंजू बाला, अवनी लेकरा, मीराबाई चानू। तो एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है
अवनी लेखरा, शी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर सॉरी गोल्ड और ब्रॉन्ज यानी कि स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, मानवेंद्र सिंह, जयशाह। तो राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, अनुराग ठाकुर, वैभव गहलोत, जयशाह। तो राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कबड्डी, हैमर थ्रो, निशानेबाज, क्रिकेट। तो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है ये आपके क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, हैमर थ्रो, निशानेबाज, शॉटपुट। तो अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है वो निशानेबाज से है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा राज्य में कौन से खेल आयोजित करवाए जाएंगे? ये आपका हो चुका राजस्थान प्रीमियर लीग, बी आपका जिसका करेक्ट आंसर है और इसका आयोजन हो भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक कौन है? अवनी लेखरा, मंजू बाला, हेमंत जायसवाल, देवेंद्र झाझड़िया। तो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन हैं देवेंद्र झाझड़िया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अभी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया जिसका आंसर अवनी लेखरा था, उन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है, और देवेंद्र झाझड़िया ने 2 स्वर्ण पदक जीते लेकिन एक ही पैरालंपिक में नहीं, अलग अलग में जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल में गुरु वशिष्ठ अवार्ड किसे दिया जाता है? कोच को, बल्लेबाज को, गोलकीपर को, विकेटकीपर को। खेल में गुरु वशिष्ठ अवार्ड कोच को दिया जाता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रीमियर लीग के मैच किस स्टेडियम में आयोजित करवाए गए हैं? स्वाभिमान सिन्हा स्टेडियम, बरकतुल्ला खान स्टेडियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इन दोनों स्टेडियम में आपके आरपीएल का आयोजन किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में कितने खेलों का आयोजन किया गया? 3, 4, 6, 8। तो इस बार आपके ग्रामीण और शहरी दोनों में 7-7 है, लेकिन ग्रामीण ओलंपिक 2022 में आपके 6 खेल शामिल थे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और खो खो। तो ये थे आपके राजस्थान खेल परिदृश्य 2023 से संबंधित और 2022 के कुछ क्वेश्चन, 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा की है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।